शरद बीना, ओ आ गया। यू आर लेट, मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओ। चलो तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। भैया भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली। वो तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, दिस इज माई ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस मैन। हाउ डू यू डू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है? हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? हाँ, तुझसे रघु रोकड़ा। भैया ये क्या कह रहे हो, इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है। शरद, शरद। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरद वरद नहीं है ये। शरद, ये आप क्या कह रहे हैं भैया, इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन में ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है, कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की, इसके मुँह पे पानी मारो, जगा इसको। शरद, आर यू ओके? आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों, और ये रघु रोकड़ा कौन शहर है? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? यू नो भैया, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत, हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है, चलो रे। सॉलिड आइडिया है उसका। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, रघु कहाँ है? जी भाई, जी वो जी क्या कर रहा है बे, कहाँ है? वो सो रहे हैं। वो कोई राजा महाराजा जो अभी तक सो रहा है, जगाओ साले को। उन्हें मत उठाइए यार भाई। नहीं, नहीं। ए, उठ उठ, खाना नहीं खाया क्या बे, खींचो से। साले को होने बे ज्यादा चर्बी। पार्टनर तू यहाँ, तू अपनी कमीशन लेने के लिए आया क्या? नहीं, कंफर्म करने आए थे। क्या कंफर्म करने? तो चुप बैठ यार। रघु, तू रात 10:30 बजे किधर था? काला चौकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में? क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के साले को धमकी दे डाली, इसलिए रात भर लॉकअप की हवा कर रहा था। अच्छा। हाँ, एसीपी रमेश को फोन लगाओ। हाँ भाई। हाँ रमेश, तूने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? खाली अंदर नहीं किया, ऐसी जगह मारा है कभी बैठ नहीं पाएगा। मेरे साले को मारता है साले। अच्छा ये बता कि तूने उसे वहाँ से कितने बजे छोड़ा? मैंने उसे ठीक 10:45 में छोड़ा भाई। पक्का ना? 100%। अरे रघु, पूरी रात जब उन लोगों ने लॉकअप में तेरी पुंगी बजाई, तब तूने उनको ये क्यों नहीं बताया कि तू ज्ञान भाई का आदमी है? तेरे को लगता है ऐसा करके वो जिंदा बचेगा? जबरदस्ती का बोल वचन दे रहा। समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं, उस पे या इस पे। चलो रे, चलो निकलते हैं। फिर मिलते हैं रघु भाई। बच गए। ये साला, इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती कैसे हैं? अरे मैं बताता हूँ ना भाई, पता है दशहरे वाले दिन मैंने टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखी थी, उसमें एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी भाई। उस फैमिली में बहुत टाइम के बाद किंग क्या ट्विंस होते हैं। ये ट्विंस क्या होता है? बच्चे भाई। अबे अंग्रेज गए तुझे छोड़ गए, हिंदी बोल। उनके जन्म की खुशी में एक पार्टी होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता है। आगे की स्टोरी मुझे मालूम है। दो बच्चों में से एक टिंगू नरसिम्हा को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे परिवार में पला जो मेरी बहन को पसंद आ गया, और वो है शरद। बिल्कुल सही भाई। हाँ भैया। जरा मुझे शरद का एड्रेस तो दे। अरे उसे कमीना रघु रोकड़ा समझकर मैंने उसकी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। लंच टाइम पे कौन आ गया? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा तो घर चलाए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो है ना। इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है?
मैं समझा यहाँ तो अकेला है लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर वन से है। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी दादी माँ अंधी और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़े काम की फैमिली, दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर। अरे बाबा ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद है। अच्छा, ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओह नो, वो जब जब तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुसाओगे। अरे लल्लू सुन। दादी, लल्लू यहाँ। याद रख, मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में ही बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते हैं। कहां? कैसे? भैया यहाँ कैसे आना हुआ? शरद कुमारी है भाई। दिख रहा है, वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़े कंफ्यूज हो। तभी तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूं और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूं। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है, मेरा दोस्त। अरे यार, वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, क्या कंफ्यूजन है। अपने घर वालों से तो मिलवाओ। ये ज्ञानेश्वर जी है, अपनी शिवानी के भाई है, उस दिन के लिए माफी मांगने आए। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद, तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और देवी माँ का भक्त। हाँ हाँ, भक्त है, भक्त है। दादा, दादी, मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियाँ दी। इसने आपको नहीं बताया पर मुझे रो रो कर बता रहा था, भूल जाओ उन्हें, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव, गुस्सा मत करो, होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी नमस्ते। नमस्ते, आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? हाँ ये भी शरद है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझ कर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए, मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद, तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है? बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है? क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? हाँ। बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर, चल चल। क्यों, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तू शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखेगा? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख लेता हूँ, इसमें बुराई क्या है? ए, तू हमें सूट बूट में देखकर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? सारा मुझे चैलेंज कर रहा है। श्री, इसको खोपचे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद। बेटा पोजीशन चेंज कर लो। दादी माँ, वो आ रहे हैं। डोंट मूव। मैंने गोपाल राव को समझा कर भेज दिया है, कोई शुभ दिन देकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे आप हर बात दो बार बोलते हो। हाँ, हाँ। शरद कुमार एक मिनट आओ ना। दादी माँ चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे गधे, तेरा साला तेरे साथ गेम खेल रहा है, उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है ठीक है लल्लू। क्या है? अरे तुम खुद ही देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? तुम्हारे साले ने। आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं, मैंने। हाँ? आपने? I can't believe this. Amazing. Beautiful. देख लिया तुम लोगों ने, शरद बाबू इंजीनियर है और असली आर्ट को समझते हैं। वो सड़क छाप रघु रोकड़ा क्या जाने कि असली आर्ट क्या है। साले साहब, ये रघु रोकड़ा आदमी है? वो मनुष्य आदमी नहीं, गटर का ढक्कन है। साला पैसों के लिए मर्डर करता है, नाली का कीड़ा है, घटिया आदमी है। छी छी छी। पर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमीने की बात क्यों करें? मुझे बहन को खुशखबरी देनी है, तो अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अपना ख्याल रखना। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन कैसे नाटक करके आपको गालियां दे रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट उन्होंने किया है, पर दी एंड करूंगा मैं। शरद कौन और रघु कौन इस चक्कर में डाल के ऐसा घुमा डालूंगा कि उनका हो जाएगा भेजा फ्राई। शिवानी। अरे भैया, 70 mm स्माइल दे रहे हो। हाँ बात है ये खुशी की। अच्छा? जानती है, मैं समझ रहा था कि रघु रोकड़ा डबल रोल करके मुझे उल्लू बना रहा है, पर नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मैंने उसे इसीलिए चुना कि अपनी फैमिली में घुल मिल जाएगा। ए शिवानी, इससे पहले कि उसे हमारे बैकग्राउंड का पता चले, हम पंडित को बुलवा कर बैंड बजवा देते हैं, क्या बोलती है? जैसा आप कहें भैया। अरे अरे, अगर ये सगाई समय पर नहीं हुई तो बहुत बाधाएं आएंगी, और यही नहीं, मामा की जान को भी खतरा है। इस
पति की पहली संतान अपने बड़े मामा को खा जाएगी। अबे मैं कोई मलाई कुल्फी हूँ कि वो मुझे ऐसे ही खा जाएगा? हम इसे मामा संकट कहते हैं, आपकी जान को खतरा है। कौन है वो जो मेरे लाइफ का स्टीयरिंग डेड एंड की तरफ लेके जाएगा? छोड़ो ना भैया, ये सब बकवास है। अरे पर हम चांस भी क्यों लें? अगर इसकी बात सच हो गई तो आप पंडित कितना टाइम बचा है? काउंटडाउन में 5 मिनट कम हो गए। ए सालों मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इंतजाम करो। तुम शरद को यहाँ बुला लो। उसको ये सब बता दूं क्या? अरे उसे ये सब बता दिया तो वो सवालों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर देगा। कोई बहाना करके उसे बुला लो यहाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी मौत की घंटी बजने को 30 मिनट है, पता नहीं वो ऑफिस से निकला भी कि नहीं। तुम लोग मेरी अर्थी उठाने के लिए खड़े हो क्या? निकले यहाँ से। भाई शरद कुमार आगे। भाई ये सब क्या है? आते ही सवाल शुरू कर दिया। तुम्हें देवी माँ की सौगंध है, अगले आधे घंटे तक चाहे जो भी हो तुम बोलना मत। देवी माँ की सौगंध ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पंडित ने तुम्हारी कुंडली देखी और कुछ बताया है कि अगर तुम्हारी सगाई 30 मिनट में नहीं हुई तो तुम्हारे जीवन में राहु केतु घुस जाएंगे और तुम्हें बनवास जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो राहु कौन है? वो रघु रोकड़ा। उस 420 घटिया डुप्लीकेट से बचने के लिए ये सारा का सारा हंगामा हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ जीजा, तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं आए, पर फिक्र मत करो, बाद में सबको बुलाकर फिर से सगाई कर लेंगे। अरे तुम्हारे उन्हों के चक्कर में मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी मंत्र शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो दज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय नमः। आ जा बहना आ जा। सुन मैंने देवी माँ की सौगंध देकर उसका मुंह बंद कर दिया है, जल्दी मैटर खत्म करो। चुप चुप। अब जब मैं कहूँ तो वर वधू नमः कहना। श्री गणेशाय नमः। नमः नहीं, नमः बोलो नमः। श्रीमान क्या ये वर गूंगा है? क्या आइडिया दे दिया। हाँ गूंगा है, अब क्या करें? अगर ये दिल में भी नमः है। हाँ दिल में तो चलेगा, चलेगा। चलेगा। श्री गणेशाय नमः। नमः विष्णु देवाय नमः। अब एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाइए। ए इधर ला रे, कल शिवानी इसको पहना दे, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ। चल डाल दे इसकी उंगली में। जीजा शिवानी को पहना दो। पहनाओ ना। अरे अरे जल्दी कर, जाकर जल्दी पहनाओ। चलो चलो चलो। शिवानी अगर इसने मुंह खोल दिया तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। सुन तो इसके साथ कोई फिल्म देखने चली जा, जल्दी जा जल्दी। ये तो तेलुगु फिल्मों में काम करती थी ना? पहले तेलुगु फिल्में करती थी, अब हिंदी भी करती है। अब डिस्टर्ब मत करो, फिल्म देखो। ओके। मेरा सूट देकर वो मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक समझा। शादी वाले दिन सिर्फ खाना खिला के मत टरका देना, हम सबको सिल्क की साड़ियाँ भी चाहिए। तुम सिल्क की साड़ी मांग रही हो और 10 साल से मैं सिर्फ एक लड़की मांग रहा हूँ अपने लिए। वो तुम लोगों ने ढूंढी क्या? ढूंढी नहीं थी क्या? कानपुर वाला रिश्ता, कितनी मस्त लड़की थी, पर तुमने कहा गुंडे का बेटा है, सुहाग रात थाने में होगी, भाग गए वो लोग। उन्होंने कहा था होशियार लड़का चाहिए, तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन बुद्धि। ए मौसी बुद्धि नहीं होती तो शरद जैसा रिश्ता ला सकता था। भैया भैया। ये फिर टपक पड़ा। अरे शरद बाबू कुछ भूल के जो लेने वापस आए हो? मैं वापस कहाँ आया, मैं तो अभी आया। अभी आया? मेरी बहन कहाँ है? आपकी बहन? हाँ मेरी बहन। आपकी बहन ने फोन किया तभी तो मैं आया हूँ। तो फिर वो जो आया था डबल रोल वाला भाई रघु रोकड़ा, वो तो शुरू से कुछ कहना चाहता था पर आपने उसे कसम दे दी ना। अगर मेरी दक्षिणा दे दे तो मैं चलूं? आप जरा मेरे साथ इधर आइए। अरे पंडित जी सगाई गलत आदमी से हो गई। शास्त्रों के अनुसार ब्याह उसी से होगा जिससे सगाई हुई है। अबे मुंह बंद कर पंडित, तू चाहता कि मैं उस रोड छाप को अपनी बहन दे दूँ? अरे कुछ करो पंडित। तो फिर दूसरी सगाई कर दो। पर शिवानी आ नहीं है। अगर वधू मौजूद नहीं है तो उसकी जगह उसका भाई खड़ा हो सकता है, अर्थात आप वर को अंगूठी पहना सकते हैं। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करता, चला मेरे साथ। अरे शरद तुम्हें इसी वक्त मुझसे सगाई करनी है। अरे मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ क्या? हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई साले के साथ होती है। कुंडली के अनुसार 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो राम जी और सीता मैया की तरह तुम दोनों को बनवास जाना पड़ेगा। पूछो इसको। अरे पंडित बताओ इसे। लेकिन शिवानी है कहाँ? फिल्म देखने गई है। सगाई के वक्त फिल्म देखने गई? अरे हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई के वक्त दुल्हन फिल्म देखने जाती है। पंडित तुम शुरू करो। अंगूठी आपकी पहनूंगा तो क्या शादी भी आपसे करनी पड़ेगी? हमारा रिवाज है, चला पहना चल। अच्छा बढ़िया। मुहूर्त तो निकल चुका था, बताऊंगा तो ये मुझे मारेंगे, नहीं बताऊंगा तो मारेंगे, तुम मरने दो इन्हें। सुनिए सुनिए, ये रिवाज, ये डांस, ये मर्दों की सगाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। भाई रघु रोकड़ा बहुत चालू चीज है, दीदी उसके साथ अकेली है, हमें जल्दी। शरद बाबू माफ कीजिए, मुझे किसी VIP से मिलना है, इसलिए आप घर जाइए। किस VIP से? राहु केतु से। हाय
कहाँ चले गए थे तुम? एक बहुत ही अर्जेंट काम रह गया था, वही निपटाने के लिए। तुम लोग शिवानी को कुछ मत बताना। ए, कौन है बे? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर आ। हाँ? बाहर बाहर। मैं जरा आता हूँ। फिर जा रहे हो? इधर आ बे। क्या हो साले रघु? वहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुंह में दही जमाए बैठा रहा और मेरी बहन से सगाई कर ली? तूने बोला क्यों कि तू शरद नहीं रघु रोकड़ा है? तूने मुझे बोलने का चांस ही कहाँ दिया? ये सही बोल रहा है भाई, मुझसे मिस्टेक हुआ। मैंने मेरी बहन की सगाई गलती से शरद की जगह तेरे साथ करा दी। गलती से करा दी? क्या बकरा बे, टल्ली बल्ली है क्या? ए, चुप। मैं सुबह सुबह दारू नहीं पीता हूँ। पीता हूँ क्या? नहीं। वो क्या कि शरद बाबू और तेरी शक्ल सेम टू सेम है, इसके लिए मिस्टेक हो गई। जिस वक्त मैंने तेरी बहन को अंगूठी पहनाई उसी वक्त वो मेरे दिल में फिट हो गई। और दिल कोई चड्डी बनियान नहीं जो जब चाह बदल डाला। मैं खुद ही तेरी बहन को बता देता हूँ कि मैं शरद नहीं रघु रोकड़ा हूँ। ए सुन, तेरे लिए एक मस्त आइटम ढूंढा मेरी जिम्मेदारी। पहले खुद के ढोल बजा फिर मेरे लिए लड़की ढूंढ। चल वो छोड़, मैंने 10% पर तुझे हैदराबाद दिया था ना, पूरा 100% ले। भाई क्या है? चुप रे, फोर डालूंगा। हाँ क्या बोलता है? एक बात भेजे में डाल ले, हम लोग का रिवाज है सगाई का मतलब आधी शादी। मेरी बहन को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बीच में कोई शरद वरद आया तो उसे ऐसा दूंगा दर्द कि वो हो जाएगा ना मरद। इसलिए उसे समझा कि उसका पति सिर्फ रघु रोकड़ा है, कोई शरद वरद नहीं। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, तुम तकलीफ मत करो। हाँ? वो अपनी काकी है ना, वो जूने पुल वाली, उसने कहा कि तुम्हें सगाई वाले दिन फिल्म नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। ये सब बकवास बातें हैं भैया, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप घर जाइए। शरद कम ऑन। तुम बात नहीं समझ रही हो शरद। सुनो शरद, बुला रही है ना? ओह मैं, आई एम सॉरी, कम ऑन लेट्स गो। शरद को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाएगा, सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, हाथ ही उठाते हैं ना।